हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इससे पहले की टाइप्स देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर मैंने डिविजिबिलिटी रूल नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें इससे पहले के सारे रूल्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो आइए सीखते हैं आज 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए, 8 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा है कि हमें लास्ट 3 डिजिट को देखना पड़ेगा कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है हमारे पास, वो अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तब देखिए, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, ये तो खुद ही 2 डिजिट्स का है। जब 2 डिजिट्स का आ गया तो आगे क्या मैं 0 लगा सकता हूँ? अच्छा, पीछे मत लगा देना 0, पीछे लगाते ही 720 बन जाएगा। आगे 0 लगाया तो मुझे वैसे ही पता है कि 8 9 72 होता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है, तो इस पर टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए 9832, अब पूरे से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर लो क्या 832 डिविजिबल है। तो जब मैं 832 को चेक करता हूँ तो 8 कितने पे क्या होगा, 1 पे, और फिर 3 नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो यानी 104 104 पे डिविजिबल हो जाएगा। इसको करके बता देता हूँ, तो यहाँ देखिए ये कितना आ गया 832। जब मैं 8 से डिविजिबल करूँगा तो 8 आ जाएगा किस पे, 1 पे, कैंसिल 3। अच्छा, 3 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हमें एक कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 32, और 32 कितने पे जा रहा होगा, 4 पे। तो जब ये पूरा डिविजिबल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, दैट मीन्स 9832 भी हमारे पास पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, क्या देखना है हमें, पूरा नहीं पढ़ना, लास्ट का देख लो 356, डिवाइड करके देखाता हूँ 356, 84 पे गया 32, 36 आया तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 4। जब रिमाइंडर ही 4 आ गया, दैट मीन्स ये जब 8 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन है, आपको इसको इसी मेथड से अप्लाई करके देखना है कि ये आपसे सोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इसका आंसर आपको कमेंट्स में येस और नो में करना है। और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।